please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. यूपी के मथुरा में शहीद विक्रम सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए हजारों लोग उमड़ पड़े और देशभक्ति के नारे लगाने लगे। विक्रम सिंह रविवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों का सामना करते हुए शहीद हुए थे, जिसके बाद शहीद विक्रम सिंह के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव लाड़पुर लाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर उनके समर्थन में नारे लगाने लगे। इस दौरान वहां मौजूद हर कोई उनको आखिरी बार देखने की कोशिश करता दिखा। पुलिस और सेना की कड़ी मशक्कत के बाद शहीद के पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाया गया, जहां परिवार की महिलाएं फूट फूट कर रो पड़ी और वहां पर हर एक शख्स की आंखें नम हो गई। शहीद के पार्थिव शरीर के साथ श्रीनगर से आए सूबेदार करण सिंह के मुताबिक 27 मई को पुलवामा में आतंकियों ने सेना के कैंप पर हमला किया था। इस दौरान आतंकियों से लोहा लेते हुए विक्रम सिंह को गोली लगी और वो घायल हो गए। इसके बाद उन्हें श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया, जिसके बाद शहीद के पार्थिव शरीर को उनके घर भेजा गया, जहां पूरे सैनिक सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान यूपी सरकार की तरफ से ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और चौधरी लक्ष्मी नारायण भी वहां पहुंचे और उन्होंने शहीद के पिता को 5 लाख और 20 लाख रुपए के 2 चेक आर्थिक मदद के तौर पर दिए। ये भैया ऐसा करिएगा कि पिताजी के नाम है श्री बलराम नाथ जी, जी और वाइफ के नाम है गीला नाम, उसको संभाल के रखिए। इसके अलावा शहीद के परिजनों को सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। विक्रम सिंह है, उनकी जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी और करारा जवाब हमारी आर्म फोर्सेस पाकिस्तानियों को देंगे। शहीद विक्रम सिंह 6 साल पहले सिपाही के तौर पर सेना में भर्ती हुए थे। वो अपने पीछे 1.5 साल का बेटा और पत्नी को छोड़ गए। हरियाणा में अंबाला के सर्राफा बाजार में मुंह पर कपड़ा बांधे कुछ बदमाश ज्वेलरी की एक दुकान में आदमी के साथ मारपीट करने लगे। पुलिस का दावा है कि ये साथी बदमाश लूट के इरादे से इस दुकान में दाखिल हुए और दुकानदार के साथ मारपीट करने लगे। लूट की कोशिश की ये वारदात दुकान के अंदर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ दिखा कि मुंह पर कपड़ा बांधे 3 बदमाश लूट के मकसद से ज्वेलरी की एक दुकान में दाखिल हुए, जिन्हें देखकर दुकान का मालिक उनके इरादों को समझ गया और बाहर की तरफ जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी एक बदमाश ने दुकानदार के बेटे पर पिस्तौल तान दी और उसके साथ मारपीट करने लगा। लेकिन बदमाशों के हमले के बाद दुकान का मालिक दुकान के बाहर जमा हुए लोगों को आवाज लगाकर उन्हें मदद के लिए बुलाने लगा। इतने में 2 और बदमाश दुकान के अंदर दाखिल हुए, जिनमें एक बदमाश ने दुकान के मालिक पर हमला कर दिया और उसके सिर पर पिस्तौल का बट मारने लगा। इसके बाद भी दुकानदार ने हिम्मत नहीं हारी और वो बाहर की तरफ भागने की कोशिश करता रहा। दुकान के मालिक के शोर मचाने पर वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिससे बदमाशों के हौसले पस्त हो गए और वो वहां से रफू चक्कर हो गए। सर्राफा बाजार में सरेआम हुई इस वारदात के बाद कारोबारियों ने घटना का विरोध किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान के इशारे पर चल रहे आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप का वीडियो सामने आया है। न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगे इस एक्सक्लूसिव वीडियो में आतंकी हथियार चलाने और हमले करने की ट्रेनिंग लेते दिखाई दिए। वीडियो में लश्कर के आतंकियों का कैंप दिख रहा है। कई आतंकी राइफल चलाने की ट्रेनिंग लेते दिखे। एक तरफ से चल रही गोलियों से बचते हुए निशाने को भेदने की ट्रेनिंग भी दी गई। ये आतंकी पहाड़ों से रस्सी के सहारे उतरने और एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक रस्सी से चढ़ने की ट्रेनिंग लेते भी दिखे। वीडियो में इन आतंकियों को तारों की फेंसिंग को काटकर सीमा पार करना भी सिखाया गया। निकारागुआ की राजधानी मानागुआ में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़क पर खड़ा एक लड़का एक रेडियो स्टेशन के दफ्तर को निशाना बनाकर ग्रेनेड दागने लगा। ये प्रदर्शन वहां के राष्ट्रपति डैनियल ओर्टेगो के विरोध में किया गया, जिसमें शामिल एक छात्र ने एक रेडियो स्टेशन के दफ्तर को निशाना बनाकर ग्रेनेड दागा, जिसकी वजह से वहां आग लग गई। प्रदर्शन में शामिल सैकड़ों छात्रों ने एक यूनिवर्सिटी के बाहर जमकर हंगामा किया। थोड़ी देर बाद प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों पर काबू पाने पहुंचे सुरक्षा बल के जवान उन पर फायरिंग करते दिखे। वहीं हंगामा कर रहे छात्रों ने भी सुरक्षा बल पर ग्रेनेड दागे। आरोप है कि इन छात्रों ने वहां की एक यूनिवर्सिटी पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से वहां मौजूद छात्राएं डर कर भागने लगी। सुरक्षा बल के साथ हुई हिंसक झड़प में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि कई छात्र बुरी तरह घायल हो गए, जिनको एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया।
इस हिंसक झड़प के समय छात्रों ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी की। पुलिस ने हंगामा करने के आरोप में कई छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। संयुक्त अरब अमीरात ने केरल से फलों और सब्जियों के आयात पर रोक लगा दी। संयुक्त अरब अमीरात ने निपाह वायरस के फैलने के डर से केरल से ताज़ा फलों और सब्जियों के आयात पर रोक लगा दी है। कांग्रेस नेता सीके जाफर शरीफ और हनुमान थप्पा ने प्रणब मुखर्जी से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने और आरएसएस के कार्यक्रम में न जाने की अपील की। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने एक वीडियो पोस्ट कर बताया कि इंग्लैंड दौरे से पहले फिटनेस हासिल करने के लिए वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अनिल कुंबले की अगुवाई वाली आईसीसी की क्रिकेट समिति की बैठक में टॉस को क्रिकेट का एक अहम हिस्सा बताते हुए टेस्ट से न हटाने का फैसला लिया गया। भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने जा रहे अफगानिस्तान ने अपने पहले टेस्ट मैच के लिए 16 सदस्यों वाली टीम का ऐलान कर दिया। टीम में चार स्पिन गेंदबाजों को जगह मिली है। अभिनेत्री आलिया भट्ट ने योग करने का अपना एक वीडियो शेयर करते हुए कैटरीना कैफ को फिटनेस चैलेंज दिया। इस्लामाबाद की बहरिया कॉलेज के एक शिक्षक पर 80 छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप लगाने के बाद इसी कॉलेज से पढ़ी अभिनेत्री माबरा होकेन ने आरोपी को सख्त सजा दिए जाने की मांग की। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर बताया कि एक संस्थान के स्नातक समारोह में उन्होंने कुछ ही घंटों में 150 लोगों से हाथ मिलाया। राजस्थान के बीकानेर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज से निकाले गए कुछ कर्मचारी धूप में छाता लेकर प्रदर्शन करने लगे। ये लोग फिर से नौकरी पर रखने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और बिना कपड़ों के ही धूप में छाता लेकर इन लोगों ने कॉलेज के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग पानी से भरे टब और बाल्टी में बैठे नजर आए। इन लोगों का दावा है कि बीकानेर के ईसीबी कॉलेज ने पिछले साल करीब 150 कर्मचारियों को निकाल दिया था, जिनमें 22 कर्मचारियों को फिर से राजनीतिक सिफारिश पर रख लिया गया। 5 महीने पहले 22 कर्मचारियों को राजनीतिक सिफारिश से लगा लिया है। हमारे पास किसी की राजनीतिक सिफारिश नहीं है। ये लोग बाकी बचे कर्मचारियों को फिर से नौकरी पर रखने की मांग को लेकर नेताओं से भी मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जयपुर पे कोई बात नहीं कर रहे हैं, कोई हमारी सुन नहीं रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही है। इन लोगों ने मांग नहीं माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी।